आज के वीडियो में बना रहा हूँ ना, नए लोग जो भी आएंगे ना वो ज़रूर देखें इस वीडियो को। देखेंगे ना तो आप लोग यहाँ के ना जेल जाने का नौबत आएगा ना किसी के चक्कर में फंसेंगे आप लोग। इसमें पूरा दिखाऊंगा आपको, मोबाइल रिचार्ज करने से लेकर के कैसे होता है वहाँ से लेकर के यहाँ स्मगलर लोग कैसे फंसाते हैं एक दूसरे को, दलाल लोग कैसे फंसा देते हैं, कैसे आपके नाम पर लोन ले लेते हैं, आपको पता भी नहीं रहेगा लोन ले लेंगे वो लोग आपके डॉक्यूमेंट्स पे। ये पूरा देख लो वीडियो नया, जो भी आना चाहते हो ना विजिटर चाहे काम करने वाले भी आ रहे हैं नए आदमी ना, ये चीज़ को देख लो आप लोग कि सिम कहाँ मिलेगा, कितने का मिलेगा और क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हर चीज़ है इसमें। अगर आप लोग देख लोगे ना तो शायद ही कोई आप लोग को छकाएगा और आप फंसोगे या प्रॉब्लम में जाओगे या जेल में जाने का नौबत आएगा। नहीं देखोगे तो गलती होने के बाद सुधरोगे तो क्या फ़ायदा है, जाके 6 महीने जेल में काटे परेशानी उठाए फिर सुधरोगे उसे क्या फ़ायदा है। उससे अच्छा ये वीडियो देखो, ये वीडियो देख लो पूरा A to Z पूरा देखो एकदम, टाइम है तो पूरा देखो और सीखो तब इधर आओ, तो कोई आपको माई का लाल नहीं है कि आपको छका देगा जिस तरह से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, सुने सुनाए बात नहीं है, ये सब एक्सपीरियंस होल्डर वाला बात है मेरा, हर एक चीज़ जो बताता हूँ ना फुल एक्सपीरियंस वाला है तब बताता हूँ आपको। ठीक है, तो आप लोग देखो पूरा वीडियो, फिर आप लोग कभी आना है विजिटिंग में आना है आपको, विजिटर बन के आ रहे हो या काम करने के लिए आ रहे हो, दोनों के लिए फ़ायदे का चीज़ है, क्योंकि एकदम ज़रूरी बात इसमें समझाया हूँ, जो कि आदमी को धोखा होने के बाद ठोकर लगने के बाद अक्ल आता है वो पहले आप सीख लोगे। ठीक है ना, नहीं तो बहुत लोग यहाँ जेल में धोखा खा रहे हैं, रो रहे हैं, गा रहे हैं, कोई छुड़ाने वाला नहीं है उनको। आइए आप लोग को मोबाइल रिचार्ज करने के लिए दिखा रहा हूँ, पहले भी दिखाया हूँ फिर दिखा देता हूँ, नया वीडियो रहेगा तो नया जो लोग भी देखेंगे वो सीखेंगे ना, जो आएंगे यहाँ वो रिचार्ज कर सकते हैं आराम से। ठीक है, यहाँ ज़्यादातर के दो ही सिम चलता है, एक तो डू का चलता है, डू कंपनी का, दूसरा चलता है इतिसलात का। ये दोनों जो है यहाँ के प्रिंस लोग का है, प्रिंस फैमिली का ही है, दूसरे तीसरे लोगों को नहीं मिलता है यहाँ पे। जैसे अपने यहाँ है ना, अंबानी को मिल गया चाहे अडानी को मिल गया, किसी को मिल गया चाहे किसको भी मिल जाता है ना, लेकिन यहाँ प्रिंस फैमिली वाले का ही है ये दोनों, और भी है वो भी प्रिंस फैमिली से ही है, आम आदमी को नहीं मिलेगा ये सब। ठीक है, तो अब रिचार्ज करने के लिए मैं बता रहा हूँ तरीके आप लोगों को, नए आदमी के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, आपका अगर डू का है तो डू पर ऐसे क्लिक करने का, फिर वो पूछेगा आपको क्या करना है, पोस्टपेड करना है, प्रीपेड करना है, ठीक है, या भाउचर चाहिए, क्या चाहिए। तो हमारा कौन सा है, इतिसलात के, तो इसलिए मैं इतिसलात के ही बताऊँगा। ठीक है, तो मेन पर चले गए, इंडिया कर सकते हैं, पाकिस्तान कर सकते हैं, फिलिपिन कर सकते हैं, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, युगांडा, केनिया, नाइजीरिया। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, कहाँ कहाँ पेमेंट भी डाल सकते हैं इससे, ठीक है ना, मनी ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं आप, लेकिन उसका सब अलग अलग सिस्टम है, इतनी इजी नहीं है कि पेमेंट आप डाल दोगे। ठीक है, इंटरनेट का भी आप डाल सकते हो, ठीक है ना। तो मेरा कौन सा है, इतिसलात का कार्ड है, तो अभी इतिसलात पे मैं ऐसे किया, अब वो पूछ रहा है क्या करना है, प्रीपेड है, पोस्टपेड है, वाउचर है, क्या चाहिए। मेरे को प्रीपेड रिचार्ज करना है। ठीक है, यहाँ नंबर जो भी मिलता है ना 0 से शुरू होता है, तो मैं अपना नंबर लगाऊंगा 0509 3। ये नंबर पर ध्यान रखने का, गलती से एक नंबर भी आगे पीछे होगा चले जाएगा दूसरे के नंबर पर, रिचार्ज चला जाएगा, फिर आपको बैक नहीं देगा। अगर अच्छा आदमी होगा आप कॉल बैक करेंगे तो रिटर्न दे देगा, लेकिन वो हजारों में एक कोई मिलते हैं। मेरा एक दिन ऐसा ही 100 दरहम डूब गया, 50 दरहम का मैं ये डाल रहा था यानी रिचार्ज, और 50 का मैं डाल रहा था नेट पैक, 100 दरहम एक साथ डाला मैं, एक नंबर गलत हो गया मेरा, 93 की जगह पर मेरा 53 हो गया, अब इसके बाद मेरा नंबर है 53। ठीक है, तो मेरा ऐसा उल्टा हो गया था, ये 53 पहले आ गया, 93 बाद में आ गया, इतने में वो पैसा चला गया दूसरे के पास 100। मैं कॉल किया, उसने स्विच ऑफ कर दिया, वो समझ गया कि फ्री में 100 दरहम आ गया, अब ये मांगेगा कॉल करके, कॉल हुआ उसके बाद से वो स्विच ऑफ कर दिया, तो मैं समझ गया कि अब ये देगा नहीं। ठीक है ना, तो उसके बाद नंबर अपना डालेंगे 53 के बाद, अब हो जाएगा मेरा 6। अब देखो अभी पैसा यहाँ डालना पड़ेगा आपको, यहाँ लिखा है ना कौन कौन सा पैसा जाएगा, 5 दरहम, 10 दरहम, 20 दरहम, 50 दरहम, 100 दरहम, 200 दरहम, 500, 1000, सब लिखा है ना कितना पैसा एक्सेप्ट करेगा। अभी यहाँ मैं ये पैसा डाल दिया। ठीक है,
अरे लेट हो गया, एक्सेप्ट करो जल्दी। देखता हूँ। हाँ एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि क्या करना है, पे करना है कि नहीं करना है। तो पे करना है तो यहाँ पे दबा देंगे, इधर से आपका बिल आ गया, यानी रिचार्ज हो गया, तो इधर से ये पर्ची आ गया, ठीक है। पर्ची आ गया आपका, ये इधर सक्सेसफुल दिखा दिया, कैश सक्सेसफुल, ठीक है। ऐसे होता है। अभी इसको फिर दोबारा मेन में डाल दो ताकि दूसरा कोई आए तो कन्फ्यूजन हो, नए आदमी कोई आए तो, नहीं तो बाहर से ही देख के चल देगा, सोचेगा मशीन ख़राब है। जो करते रहते हैं उनको तो मालूम है कि मेन में आएंगे तो फिर ऐसा सब आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा स्क्रीन पे, ठीक है। तो ये भी एक समझने वाला बात है, ठीक है ना। इससे क्या क्या आप कर सकते हो सब है इसमें, बोटिंग का भी है, ठीक है। ये सालिक का भी है, गाड़ी यहाँ चलता है ना, टोल टैक्स जो अपने इंडिया में लगता है, टोल टैक्स इंडिया में, तो यहाँ ऑटोमेटिक कैमरा से सालिक उसका नाम है, उसको बोलते हैं सालिक, वो सालिक करता है, आप पे फाइन आ जाएगा अगर सालिक नहीं रहेगा, आपके टोल टैक्स नहीं रहेगा तो फाइन आएगा। तो गाड़ी वाले कहीं रास्ते में रुक के ऐसा जहाँ देखेंगे ना, ऐसा बूथ रहता है, हर जगह बना रहता है ऐसा बूथ, जैसा देखो दूर से भी दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें देख लो, तो इसमें सालिक भी डाल सकते हो आप, ठीक है ना। गूगल पे भी है इसमें, ठीक है। तो इतना आज मैं बताया आप लोगों को, नए लोगों के लिए जो कभी आ रहे हैं विजिट पर घूमने के लिए ना, तो आते ही तो इस नंबर तो मिल जाएगा ना उनको वहाँ से, एयरपोर्ट से। एयरपोर्ट से विजिटर लोग के लिए एकदम किसी काउंटर पे 10 दरहम में ही मिल जाता है, कहीं फ्री में भी मिलता है, कहीं पर वो बेवकूफ़ बनाते हैं, देखेंगे ना थोड़ा अनपढ़ है, लिखा पढ़ा जैसा नहीं दिख रहा है, तो उससे बोलेंगे कि 50 दरहम दो, 100 दरहम दो। आदमी नया नया रहता है, दे देता है, लेकिन नहीं देने का एयरपोर्ट पे, ठीक है। 10 दरहम, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दरहम में सिम मिल जाता है विजिटर के लिए। कोई कोई कंपनी तो बिल्कुल फ्री में देती है, इसलिए फ्री में देती है कि रिचार्ज ये करेगा मेरा, रिचार्ज से फ़ायदा आएगा कंपनी को, इसलिए वो फ्री देती है, ठीक है ना। इसलिए आप लोग ये बात को समझ के रखो, जो नए लोग आते हैं वो लोग, ठीक है ना। नहीं तो मैं अक्सर देखता हूँ कितने लोगों का पैसा कट जाता है, 100 दरहम तो शुरुआत में ही काट लेते हैं वो लोग वहीं पे। नया नया आदमी रहता है बेचारा, खर्चे के लिए लाता है घर से कि चलो खर्चे के लिए पॉकेट में रहेगा, वो आते ही यहाँ पे बेवकूफ़ बना के एयरपोर्ट में ले लेते हैं सब। इसलिए 2-3 काउंटर 4 काउंटर पर पूछने का, एक जगह नहीं पूछने का, अलग अलग कंपनियों का सब रहता है, काउंटर लगा रहता है, ठीक है। तो आज ये बताया मैंने आप लोगों को, एक एक चीज़ ऐसा बताता हूँ जैसे थोड़ा सीखने को भी मिल जाए आदमी को, समझने को भी मिल जाए, ठीक है ना। और कभी भी आप लोग नया आदमी आ रहे हो विजिटर लोग, तो आप लोग कभी भी रोड क्रॉस करो, ये देखो जब तक वो अभी रेड जल रहा है, रेड जलता रहे तो आप क्रॉस मत करो, नहीं तो उसमें भी फाइन है आपको। रोड पर थूको मत, गुटखा खाने का तो ममनू है, पान खाना तो है, पान बिकता ही नहीं है यहाँ पे। ये सब अगर इंडिया से लेके आ भी रहे हो छुपा उपा करके, गुटखा फुटका लोग लाते हैं जिसको आदत है खाने का, खाओ लेकिन रूम में खाओ, उधर कहीं रोड रोड पर थूको मत, नहीं तो फाइन आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज का यही रहेगा, अब देखो ग्रीन हो गया तो अब जा सकते हो। अब बोलोगे कि यहाँ तो सीढ़ी है नहीं, कोई पुलिस है नहीं, तो अगर क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा, गाड़ी तो बहुत लंबी है, क्रॉस कर सकता हूँ, अगर रेड इधर है तब भी जा सकते हैं। हाँ जा सकते हो, लेकिन यहाँ सिविल में ज़्यादातर के सीआईडी रहते हैं, आम आदमी की तरह वो टहलते रहते हैं इधर उधर, जहाँ देख लिए नज़रों में आपको 500 दरहम जगह पर फाइन ले लेंगे आपसे। आप बोलोगे पैसा नहीं है, बोलेगा चलो आईडी दे दो, आईडी नहीं है आपका पासपोर्ट लेगा, नया आदमी है तो वो पासपोर्ट के नंबर पर आपका फ़ाइन मार देगा। आप यहाँ नहीं भरोगे एयरपोर्ट जाओगे, आपको एयरपोर्ट पर जैसे आप दोगे ना इमिग्रेशन कराने के लिए इंडिया जाने के लिए, चाहे कोई भी देश में जाने के लिए, जो देश का जो गलती किया रहेगा तो एयरपोर्ट पर वो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट बोलेगा आपके ऊपर फ़ाइन है, पहले फ़ाइन क्लियर करो तब आपको फ्लाइट होगा। अब आप चौंक जाओगे कि भाई ये कहाँ से फ़ाइन आ गया, आप सोचोगे वो तो सिर्फ पासपोर्ट ही लिया था ना, और कुछ तो किया नहीं था, वो फ़ाइन मार दिया आपके ऊपर ऑनलाइन, और 500 दरहम आप भरो, अगर पैसा नहीं है तो आपका फ़्लाइट छोड़ना पड़ेगा। आप बोलोगे पैसा ही नहीं है कहाँ से भरूँ एयरपोर्ट पर, तो बोलेगा ये आपका काम है, आप भर रहे क्यों नहीं पहले, आपको पकड़ा था तो आपको बताया होगा ना कि आपके ऊपर इतना फाइन लगा, तो भर के आना चाहिए ना एयरपोर्ट पे। तो इसलिए यहाँ लोन भी जल्दी मिल जाता है लोगों को, बहुत लोग लोन ले लेके भाग जाते थे पहले, अब आजकल क्या है जाने से पहले हर स्टेटस चेक करते हैं एयरपोर्ट पे लोग,
कि ये इसके ऊपर क्या है, कर्जा है, फाइन है, क्या क्या है। बहुत लोग गाड़ी का फाइन रहता है, गाड़ी रेस चलाते हैं कैमरा लगता है उस पर फाइन आता है, सिग्नल जंप करते हैं उसका फाइन है, कोई ना कोई फाइन। मतलब दुबई में तो हर बात पर फाइन है, हर बात पर फाइन है। इसलिए यहाँ लोग एकदम लकड़ी की तरह स्ट्रेट होकर चलते हैं, गलती करने से लोग घबराते हैं यहाँ पे इसीलिए। ठीक है, अभी देखो एक आदमी क्रॉस करने के लिए अब दौड़ा वहाँ से। अपना इंडिया रहता तो अब तक हजारों आदमी घुस गए रहते हैं। यहाँ नियम फॉलो करते हैं हर आदमी, इसलिए ये देश सक्सेस है। नियम है, कानून है, हर चीज़ यहाँ पर सही है। इसलिए देश में कहीं आपको पुलिस जल्दी नज़र नहीं आएगा। कैमरा से हर जगह मॉनिटरिंग हो रहा है आपका, कैमरे में वाचिंग में चल रहे हो आप हर जगह। मैं यहाँ भी बात कर रहा हूँ ना, कैमरे में चल रहा हूँ मैं यहाँ। कम से कम ये बिल्डिंग में वहाँ से देखो पैसा एक्सचेंज वाला है, पैसा आप नया आदमी आओगे अल अंसारी से ही पैसा डाला जाता है। ठीक है, ये भी बता दे रहा हूँ, अल अंसारी से पैसा आप डालोगे नए आदमी आओगे तो पैसा डालने, अगर विजिट पे हो, विजिटर हो, आज आपके अकाउंट में पैसा है तो यहाँ से तो ट्रांसफ़र होगा नहीं आपके मोबाइल से, तो आपको यहीं आना पड़ेगा अल अंसारी में। ठीक है, वेस्टर्न यूनियन भी है, अल अंसारी भी है। ठीक है, देखो यहाँ से आप पैसा डालोगे, अभी तो बंद हो गया है, ये अंदर जाओगे ऐसा हर जगह मिलेगा आपको। मॉल वॉल में जितने मॉल होता है सब में अल अंसारी होता है, अलग अलग कंपनियाँ की होती है लेकिन ज़्यादातर के अल अंसारी, बहुत फास्ट सर्विस है इसका। तो पैसा अगर आपको भेजना है तो आपका पासपोर्ट लगेगा, आपका वीज़ा लगेगा, आपका बोर्डिंग कार्ड लगेगा। बोर्डिंग कार्ड हमेशा संभाल के रखने का मोबाइल में, नहीं तो एक एक चीज़ मांगेगा वो पैसा भेजने के टाइम में आपको। आप खाली सोचो कि मैं पासपोर्ट दे दूंगा तो ये हो जाएगा, नहीं होगा। अगर कहीं से आपको किसी यार दोस्त से पैसा मंगाना है, आपको आप आ गए हो आपके पास पैसा नहीं है, किसी यार दोस्त से बोलोगे कि मेरे को 1000 दरहम, 500 दरहम, चाहे 100 दरहम ही क्यों नहीं, 100 दरहम के लिए भी आपसे वो बोलेगा पासपोर्ट दिखाओ, वीज़ा दिखाओ, वैलिड है कि नहीं। अगर कुछ भी उसमें फ़र्क है आपको पैसा वो नहीं देगा। ठीक है, बोर्डिंग कार्ड मांगेगा, 3 चीज़ लाजिम अपने मोबाइल में रखने का। बोर्डिंग कार्ड जो आप आओगे एयरपोर्ट पर, बोर्डिंग कार्ड जो मिलता है फ्लाइट में बैठने के लिए वो संभाल के रखो, पासपोर्ट रखो और वीज़ा रखो, तीनों चीज़ एक PDF बना के रखो और प्रिंट करा के भी रखो हाथ में। ओरिजिनल पासपोर्ट मांगेगा आपसे, देखेगा तब पैसा भेजेगा या पैसा आपको देगा। आप चाहोगे कॉपी दिखा दूँ मोबाइल में तो नहीं मानेगा, ओरिजिनल पासपोर्ट मांगेगा ही। 100 दरहम भी आप भेजना चाहोगे ना तो बोलेगा ओरिजिनल पासपोर्ट लाओ। अगर 1000-2000 भेजना चाहोगे तो 10 प्रूफ मांगेगा आपसे, बोलेगा ये पैसा कहाँ से आया आपके पास, किसने दिया आपको, क्यों भेज रहे हो, किसने दिया, आप बताओगे मेरा ही पैसा है, बोलेगा कहाँ से आया, विजिट पर आप आए हो, कहाँ से आपके पास पैसा आ गया कि आप भेज रहे हो, वो पूछेगा सवाल आपसे। तो उसका जवाब आपके पास रहना चाहिए, घुमाओगे बात तो सस्पेक्ट में आपको खड़ा कर देगा वो। ठीक है ना, बहुत स्ट्रिक्ट है, क्यों कि यहाँ लोग आते हैं विजिटर, पैसा ब्लैक मनी इधर से उधर घुमाते हैं ना, ऐसा ऐसा 100 आदमी को दे दिया कि कोई ब्लैक मनी वाला, 100 आदमी को लाया 10-10 हज़ार खर्चा करके, बोलेगा कि आज तुम जाओ मेरा 10 हज़ार दरहम भेज दो इंडिया ये अकाउंट में, फिर दूसरे को बोल दिया इसमें डाल दो 10 हज़ार दरहम। तो ऐसे लोग भेजते रहेंगे तो ब्लैक मनी यहाँ से निकल जाएगा ना, यानी दरहम चला गया दूसरे देश में। इसलिए बहुत स्ट्रिक्ट है वो, पूरा प्रूफ मांगते हैं लोग, पूरा प्रूफ मांगते हैं। अगर यहाँ से भेजना है तो बगैर प्रूफ का, बैंक में जाओगे तो और ज़्यादा प्रूफ चाहिए। बैंक में तो नंबर लगाना पड़ेगा, लाइन लगाना पड़ेगा लंबा, उसके बाद आपको नंबर आएगा, फिर एक एक चीज़ सवाल करेगा आपसे कि आपका सैलरी कितना है, सैलरी स्लिप दिखाओ, कहाँ से आया 10 हज़ार दरहम आपके पास, तो सैलरी स्लिप दिखाना पड़ता है। जो कंपनियाँ जो चलाते हैं ना, जो दिन रात उनका रोटेशन है कंपनी वाले को बैंक वाले के साथ, यानी वो एक दूसरे को पहचानते हैं, फिर भी उनका फॉर्मेलिटी है वो पूछेंगे। अगर कंपनी वाला गया बोलने के लिए कि 50 हज़ार दरहम हमको आज निकालना है, वो पूछेगा किस लिए निकालना है आपको, तो सैलरी बांटना है, सैलरी स्लिप दिखाओ। ये सब सिस्टम है, ऐसा नहीं है आँख बंद करके कि पैसा उड़ रहा है जितना मर्जी किया। आपका ही पैसा निकालने के लिए 50 सवाल होता है बैंक में, यहाँ भी आओगे निकालने के लिए, यहाँ से भी पैसा आप ले सकते हो आपका अगर अकाउंट में है तो, लेकिन यहाँ भी पूछेगा किस लिए ले रहे हो आप, स्लिप दिखाओ अगर कंपनी वाले हो तो। अगर आम आदमी ऐसे हो, विजिटर हो, तो और सवाल है। इसलिए आप ये मत सोचना कि बहुत इजी है, गए पैसा उठाए भेज दिए, ये कर दिए वो कर दिए, नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि मेरा पूरा फुल एक्सपीरियंस है इसके बारे में, तो बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है ना, तो इसलिए इस पर स्ट्रिक्ट है कि लोग ब्लैक मनी को इधर से उधर ना घुमा सके पैसे को।
हाँ, जो ब्लैक मनी के काम करते हैं वो हवाले सवाले से हुंडी फुंडी से करते हैं, बहुत से आइडिया लोग क्या क्या करते हैं, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है क्या करता है। लेकिन यहाँ से आप चाहोगे कि किसी के सिखाने में चढ़ाने में वो किसी ने दिया कि लो 10,000 दरहम डाल दो अपने पासपोर्ट से और भेज दिया, आप चले गए खुशी में कि चलो हमको भी 1,000 दरहम दे रहा है ये, तो आप वहाँ जाओगे तो फंस सकते हो आप काउंटर पे, वो बोलेगा कहाँ से है आपके पास 10,000, किसने दिया आपको, और पूरा बयानबाजी करते करते में बातों में अगर अटक गए वो पुलिस बुला देगा, बोलेगा ये कहीं से पेमेंट ये लाया है उल्टा सीधा कर रहा है, फिर पुलिस आएगी आपको उठा के ले जाएगी, फिर पूछताछ करेगी, दूध का दूध पानी के पानी हो जाएगा, अगर गलत में पाए गए तो आपके ऊपर केस बन जाएगा। ओके, तो कभी भी आप लोग आओ तो किसी के चढ़ाने बढ़ाने में यह मत पड़ो। यहाँ 50 किस्म के एजेंट होते हैं सब, गोल्ड भेजने वाले दलाल अलग हैं, आपके नाम पर लोन ले लेंगे यहाँ पे बैंकों से, बैंक से सेटिंग रहता है उनका, आपको पता भी नहीं रहेगा, आपके नाम पर लोन भी हो गया, आप जिस दिन एयरपोर्ट पर जाओगे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट बोलेगा आपने लोन लिया, आपने लोन चुकाया नहीं, आप बोलोगे मैंने तो लिया ही नहीं, लेकिन बाद में याद करोगे अरे उसने तो मेरे को साइन कराया था मेरा, तो मुझे तो नहीं मालूम कि लोन लेने के लिए वो किया था, उस दिन आप माथा पकड़ के रोओगे, अब घर बेचो मंगाओ दो फिर जाओ, नहीं तो जेल में रहो। यहाँ पे यहाँ आओ तो पूरा एकदम स्ट्रिक्ट रहो, किसी के बातों में पड़ो मत। गोल्ड वाले एजेंट घूमते रहते हैं, देखेंगे कि मुँह सूखा हुआ है, कहीं बैठे हो इधर पार्क वर्क में बैठे हो, मतलब आपका चेहरा देख के वो लोग भाप जाते हैं कि ये परेशान हालत में, बोलेंगे क्या हुआ क्यों ऐसा हो, आप बोलेंगे अरे आए थे मैं फंस गया, मेरे को काम नहीं मिला, एजेंट फंसा दिया, भेजा था काम के लिए काम नहीं मिला मेरे को इंडिया जाना है, पैसा नहीं है मेरे पास, तो बोलेगा ओ ऐसा बात हो गया क्या तुम्हारे पास, ओ बहुत गलत किया तुम्हारे साथ, उसने कितना पैसा भर के आए थे इतना, ओहो अब कैसे पैसा तू भर पाओगे, बहुत तुम्हारे साथ जाती किया उसने, बहुत तुम्हारे साथ गलत किया। अच्छा कोई बात नहीं, एक काम करो, एक यहाँ पर कमेटी है वो भेजती है, चलो मैं वहाँ बात कर देता हूँ तुमको, एक नेकी काम कर देता हूँ तुम्हारे साथ, जाओ वहाँ उसका कुछ सामान वामान लेके जाना है इंडिया लेके जाना, और तुमको टिकट भी दे देगा, 5-10 हज़ार खर्चा भी दे देगा आपको, आप खुश हो जाओगे कि अरे कौन सा कमेटी है इतना कि मेरे को पैसा भी दे रही है टिकट भी दे रही है। आप जाओगे वो पॉकेट में रहेगा गोल्ड, ठीक है, आप एयरपोर्ट में निकल गए तो अच्छी बात है, उसका आदमी है एयरपोर्ट के बाहर खड़ा रहेगा, आपका फ़ोटो आपका पासपोर्ट नंबर आपका नंबर दे के पहले से खड़ा रखेगा आदमी उसका, आप जैसे बाहर निकलोगे आप क्या थैली आपके हाथ से ले लेगा और सलाम अलैकुम करके आपको हटा देगा वहाँ से। अगर फंस गए एयरपोर्ट के अंदर तो आप जाओ, आप फंसो, आप जवाब दो कहाँ से आप बैग लिए, गोल्ड क्यों लेके गए, ये सब से बचो आप लोग, ठीक है, ये सब गलत काम नहीं करने का, आओ घूमने के लिए घूमो फिरो, किसी के लालच में मत पड़ो, नहीं तो यहाँ कदम कदम पे एजेंट मिलेंगे आपको, यानी हर चीज़ के लिए, 2 नंबर का धंधा कराने के लिए, गोल्ड भेजने वाले आपके नाम पर लोन ले लेंगे, ये बता दिया मैंने आपको हर चीज़, ठीक है, चलिए आज का यही रहेगा सिर्फ, ठीक है ना, एक एक चीज़ ऐसे एक्सप्लोर करता हूँ ताकि नए लोग जो भी रहें तो आप लोग समझो इसको सीखो, ताकि बाद में परेशानी ना हो आप लोगों को, नहीं तो हजारों लोग जेल में फंसे हुए हैं यहाँ रो रहे हैं, कोई छोड़ाने वाला नहीं है उनको, हजारों नहीं कई हज़ार पड़े हुए हैं जेल में, ठीक है, यही गलत करते हैं आकर के यहाँ पे आसमान में उड़ना चालू करते हैं वो लोग, सोचते हैं आए हैं दुबई तो एकदम पैसा उड़ रहा है खजूर के पेड़ पर से, झाड़ना है पैसा नीचे गिरेगा, उठाना है घर भेजना है, इतनी आसान रहता हर आदमी करोड़पति बन जाता है यहाँ के, ठीक है, इतनी आसान नहीं है जितना आसान समझ लेते हैं लोग, ठीक है ना, यहाँ का कानून देखो, वो ATM देखो बाहर है ना 24 घंटा वो चलता रहेगा, किसी का मजाल नहीं कि ATM को तोड़ के कुछ कर ले उसमें, एक एक जगह तो एकदम सुनसान रास्ते में भी ATM है, वो इसी का मजाल नहीं है कि ATM में हाथ लगा दे, इंडिया रहे तो उसमें ATM ही उठा ले जाते हैं सब, और भी देशों में ऐसा है, तो यहाँ का कानून सबसे स्ट्रिक्ट है, मेरे कहने का मतलब ये है, ये कानून पे ही चल रहा है पूरा दुबई। ओके चलिए, शुक्रिया, थैंक यू आप लोग को।